मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सख्ती के बाद इंदौर जिले में ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने इंदौर शहर के 3 पब और रेस्टोरेंट में ड्रग्स कनेक्शन मिलने के बाद उन्हें सील किया। ड्रग सप्लायर ने तीनों पब में ड्रग्स सप्लाई करने की बात कबूली है। इंदौर के जंजीरवाला चौराहे पर E=MC² और देवास नाका स्थित सुंदरवन बार बाईपास स्थित होटल प्राइड पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए तीनों पब को सील कर दिया है। दरअसल ड्रग्स स्कैंडल में पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में इन तीनों पब रेस्टोरेंट बार में ड्रग्स सप्लाई करना स्वीकार किया है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने आबकारी अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यवाही की है और इन तीनों पब और रेस्टोरेंट को आगामी आदेश तक के लिए सील किया है। माना जा सकता है कि इसी कड़ी में शहर के अन्य पब और बड़े रेस्टोरेंट भी सील किए जा सकते हैं। आज मेरे क्षेत्र में दो जगह E=MC² FL2 और ये FL2 सुंदरवन दो जगह कार्रवाई की गई है और एक जो पिचर रेस्टोरेंट था उसको भी 4 जनवरी तक आगे और निलंबन अवधि को बढ़ा दिया गया। पूर्व में जो बार बंद हुए थे उनमें तो जो अनियमितताएँ पाई गई थी, नृत्य गायन और 21 वर्ष से कम आयु के लोगों का प्रवेश, इसके कारण से माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा उनके लाइसेंस को 11 दिवस की अवधि के लिए निलंबित किया गया था। फिर कुछ अभी अनुसंधान जो चल रहे हैं ड्रग्स के मैटर में, उस अनुसंधान में कहीं ये इन बारों के नाम उछल कर आए हैं। ऐसी परिस्थिति में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा इन बारों को जो है 7 दिवस की अवधि के लिए निलंबित किया गया इनके लाइसेंस को। जो आए दिन हम देखते हैं कि ड्रग्स के संबंध में जो भी चीज़ चल रही है उसके संबंध में कहीं ना कहीं लोगों के कनेक्शंस या जो भी चीज़ सामने आई है, तो ये प्रथम दृष्टया है। तो इस आधार पर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा इन बारों के लाइसेंस को 7 दिवस की अवधि के लिए निलंबित किया गया।